अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे ट्रांसैक्ट एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जो है वो यूनिट ऑफ वर्क है, परफॉर्म कर रहा है ऑपोजिट ऑफ द डेटाबेस एनी ट्रांजैक्शन दैट रीड फ्रॉम और राइट्स टू अ डेटाबेस। ट्रांजैक्शन जो है वो स्प्रेड ऑफ वन और मोर सेवरल चेंजेस टू द डेटाबेस। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द टेबल, देन हम क्रिएट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन ऑफ द टेबल। इसमें कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द डेटा इंटीग्रिटी इज एसेंशियल है। इसको हम यूज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं एरर ऑफ द डेटाबेस और हम इसमें ऐड कर रहे हैं सम एसक्यूएल क्वेरीज टू अ ग्रुप एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पार्ट। यहाँ पुट किया गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज फर्स्ट आती है ये एटॉमिसिटी, और ये जो है वो ऑल ऑपरेशन डन सक्सेसफुली। सेकेंड आती है कंसिस्टेंसी, रिलायबल डेटा। थर्ड आती है आइसोलेशन, सेपरेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एटॉमिसिटी। यहाँ पे जो आप परफॉर्म कर रही है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, उसके बाद आइसोलेशन, यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी या रिप्रेजेंट किया गया एसिड। एटॉमिसिटी जो है वो एंश्योर कर रही है ऑल द ऑपरेशंस जो वर्क कर रही है यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट, अदरवाइज ट्रांजेक्शन जो है वो कैंसल्ड है एट द पॉइंट ऑफ फेलियर एंड अर्लियर एक्टिविटीज आर मूव कर रही है बैक टू द फॉर्मर पोजिशन। इसका मतलब ये इधर आर सक्सेसफुल और नॉन। कंसिस्टेंसी, ये जो है वो एंश्योर कर रही है ऑल द डेटाबेस चेंज स्टेट करेक्टली ऑन अ सक्सेसफुल कमिटेड कमीशन पर ट्रांजेक्शन पर। कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे जो है वो डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू एंड द स्टेडी स्टेट एंश्योर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है डेटाबेस फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू एंड अदर कॉन्स्टेंट स्टेट। आइसोलेशन, एंश्योर कर रहा है वन ट्रांजेक्शन इन टू डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। इनेबल कर रहा है ऑपरेशन जिसमें आप वर्क कर रहे हैं ट्रांसपेरेंटली विद ईच अदर। स्टेबिलिटी, एंश्योर कर रहा है आउटकम और इम्पैक्ट कर रहा है कमिटेड ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वंस टाइम ट्रांजेक्शन डन कर रहे हैं देन विल रिमेन इन द इवेंट ऑफ एरर, पावर लॉस एंड सो ऑन। यहाँ पुट किया गया ट्रांजेक्शन कंट्रोल, जिसमें देखें पार्शली कमिटेड स्टेट पुट किया गया, उसके बाद परमानेंट स्टोर, कमिटेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, ये सारी जो स्टेट यहाँ मेंशन की गई है, अब्सॉर्बड स्टेट, फेल स्टेट और यहाँ पे एक्टिव स्टेट, ये जो है फेलियर पुट किया गया, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह पुट किए गए हैं। ये कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। ये कमांड जो है गिवन ब्लॉक इनपुट की गई है कमिट, इट इज यूज टू सेव द चेंजेस। सेकेंड आती है रोल बैक, रोल बैक इट इज यूज टू रोल बैक द चेंजेस। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट क्रिएट कर रहा है ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड। सेट ट्रांसपोर्ट, ये रिटर्न कर रहा है नेम ऑफ ऑन द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड सच एज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते जब हम क्रिएट कर रहे हैं और ड्रॉपिंग कर रहे हैं टेबल्स को। इन एमएस एसक्यूएल सर्वर जिसमें यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शनल कंट्रोल कमांड और हम इनिशिएट कर रहे हैं ट्रांसैक्ट को ट्रांजेक्शन कमांड, अदरवाइज कमांड में भी नॉट वर्क। कमिट कमांड, जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल कमांड। कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं बाय द डेटाबेस टू सेव चेंजेस। सिंटेक्स पुट किया गया कमिट कमांड। कमिट एग्जांपल यहाँ मेंशन की गई है एम्प्लॉयज टेबल। आईडी यहाँ मेंशन की गई है, नेम है, एज, एड्रेस और यहाँ पे सैलरी जो इस तरीके से मेंशन की गई है। यहाँ पे फॉलोइंग कमांड है जिसमें पुट किया गया बिगिन ट्रेंड, पुट किया गया ट्रेंड और डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज इक्वल 30। और कमिट यहाँ पुट किया गया इन द रिजल्ट पार्ट 4 और 6 रोज फ्रॉम द टेबल हैज बीन डिलीटेड। आपने 4 और 6 रोज जो है यहाँ पे डिलीट करनी है, सिलेक्ट करनी है स्टेटमेंट और यहाँ पे देखिए कि 4 भी जो है मिसिंग है और यहाँ पे 6 जो है डिलीट की गई है आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी में। रोल बैक कमांड, रोल बैक कमांड जो है वो ट्रांजेक्शनल कमांड है, यूज कर रहे हैं अंडू कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को जो यहाँ पे जो है वो नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटाबेस। रोल बैक कर सकते हैं आप जो है अगर आप डिलीट करते हैं उसको जो है वो अंडू कर सकते हैं, यहाँ पे बैक कर सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को। यहाँ पुट किया गया सिंटेक्स और एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज वगैरह पुट किया गया। यहाँ पे फॉलो किया गया कमांड को जिसमें एम्प्लॉय आईडी वेर एज 20 रोल बैक किया गया और यहाँ पे सेम प्रोसीजर जो है इसमें अप्लाई किया गया, रोल बैक किया गया, अंडू किया गया। आईडी में सेम है, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है, अंडू की गई है। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है ट्रांजेक्शन में जिसको हम रोल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग द एंटायर ऑपरेशन। सिंटेक्स पुट किया गया सेव पॉइंट कमांड, सेम ट्रांजेक्शन सेव पॉइंट पुट किया गया और ऑर्डर जो है सर्व कर रहा है क्रिएशन ऑफ सेव पॉइंट बिटवीन ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स। सेव पॉइंट सिंटेक्स रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम इन द बिलो एग्जांपल जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं 3 डिफरेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज
टेबल, देन हम क्रिएट कर रहे हैं सेव पॉइंट बिफोर ईच रीड, जिसमें हम लोड कर सकते हैं सेव पॉइंट एट द टाइम ऑफ रिटर्न द डाटा इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेटमेंट। यहाँ कंसिडर किया गया एग्जाम्पल इम्प्लॉइज आईडी पुट की गई है, नेम है, एज एड्रेस और यहाँ पे सैलरी जो इस तरीके से मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे फॉलो किया गया डिफरेंट सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को, बैगिन ट्रेंड, सेव ट्रांजेक्शन SP1, सेव पॉइंट क्रिएटेड, डिलीट फ्रॉम पुट किया गया वन लोड डिलीटेड, उसके बाद पुट किया गया सेव ट्रांजेक्शन SP2, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अगेन यहाँ पे रोल बैक ट्रांजेक्शन पुट की गई है, SP2 हैज बीन डिलीटेड सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और 6 रोज हैज बीन सिलेक्टेड, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया गया 6 रोज को, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रीड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।